नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। फिल्म हिना के लिए रविंद्र जैन ने एक गीत लिखा था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। 27 साल बाद कमोबेश आज वही स्थिति देश में कई मोर्चों पर है। किसानों की कमाई दोगुनी कब होगी पता नहीं, लेकिन इतनी देर हो गई है कि किसान देश के एक बड़े इलाके में अभी से सूखे का शिकार हो रहे हैं। और देर तो हो चुकी है जिन्ना की तस्वीर पर भी, लेकिन सबसे पहले बात रेलवे की। ये मौसम ट्रेनों की लेट लतीफी का नहीं है, लेकिन तमाम ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस पर रेलवे भी कहने लगा है कि अभी इंतजार कीजिए, ट्रेन देर से ही चलेगी। अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट की देरी से चल रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 4 आवर्स, इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज डीपली रिग्रेटेड। रेलवे स्टेशनों पर ऐसी मुनादी सुनकर आपका दिल बैठ जाता होगा, तो अब अपना दिल और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अगले एक साल तक आपकी ट्रेनें ऐसे ही लेट लतीफ चलती रहेंगी। ये कमोबेश ऑफिशियल घोषणा है कि देर भले हो जाए लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए जब तक ट्रैक पर मुकम्मल काम नहीं हो जाता तब तक गाड़ियां देर से ही चलेंगी। देर भले पर दुर्घटना ना हो, इसलिए हमारे जितने भी पुराने एसेट्स हैं उनके मेंटेनेंस के जो शेड्यूल हैं जो कि बचे हुए थे उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो रेलवे के पास ये बहाना रहता था कि अमूक जगह पर बाढ़ आ गई तो सर्दियों में कोहरा पड़ रहा है, या फिर देश के किसी हिस्से में आंदोलनकारी रेलवे पटरियों पर चढ़ बैठे, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला ट्रेन देर से चल रही है। रेल मंत्रालय के आंकड़े भी यही बोलते हैं कि रेलवे का टाइम टेबल ही बिगड़ चुका है। 2016-17 के दौरान रेलवे मेल एक्सप्रेस की पंक्चुअलिटी 76% रही थी, यानी 76% ट्रेनें समय से चली थी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मेल एक्सप्रेस की ये पंक्चुअलिटी बिगड़कर 71.38% रह गई, यानी स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। अगर पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पंक्चुअलिटी 76.53% रही, जो वर्ष 2017-18 में गिरकर 72.66% रह गई। जिन राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर डायनामिक फेयर लगाकर आपकी जेब पर रेलवे ने डाका डाला, वो ट्रेनें भी 6-6 घंटे तक लेट चल रही हैं। तो अपनी खाल बचाने के लिए सड़क परिवहन में सुरक्षा के लिए कहे जाने वाले सूक्ति वाक्य को रेलवे ने अपना तकिया कलाम बना लिया है। पिछले रेल मंत्री सुरेश प्रभु की कुर्सी रेल हादसों की वजह से ही गई थी, इसलिए कमान संभालने के बाद पीयूष गोयल ने साफ कर दिया था कि दुर्घटना से बचना ही उनकी प्राथमिकता है। कैसे रेलवेज में सुरक्षा, कैसे रेलवेज में उपभोक्ताओं की, कंज्यूमर्स, पैसेंजर्स की सुविधाएं बढ़ाना। अब सरकार की दलील सुनिए कि खराब ट्रैक और रखरखाव की वजह से उसे ट्रेन को सही समय पर चलाने में कैसे दिक्कत हो रही है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 के दौरान रेलवे ने पटरियों पर सुरक्षा के मकसद से 1,59,000 घंटों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया था। वर्ष 2017-18 के दौरान रेलवे ने सेफ्टी और मरम्मत के काम को पूरा करने के लिए 1,89,000 घंटों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया। इस दौरान रेलवे का दावा है कि पटरियों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो एक तरफ साधारण ट्रेनों को बैलगाड़ी की रफ्तार से निकालने की जद्दोजहद चल रही है और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन के सपने भी तैर रहे हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति। इस आसमानी सपने से पहले कुछ अहम सवाल रेलवे और सरकार के सामने हैं। जब पिछले कुछ सालों में पटरियों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ तो क्या एक साल में हो जाएगा? अगर सिर्फ ट्रैक पर गड़बड़ियों की वजह से हादसे होते हैं तो पिछले दिनों ही कुशीनगर में मानव रहित फाटक पर स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत से रेलवे अपना पल्ला कैसे छुड़ा सकता है? सेफ्टी के नाम पर ही रेलवे का किराया तो बढ़ा दिया गया, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम चुनावी साल तक क्यों इंतजार करेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कहां तो हम महाशक्ति बनने की बात करते हैं और कहां यहां तय समय से 12 घंटे लेट से ट्रेन चलाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और ये ट्रेनें लेट बद इंतजामी की वजह हो रही हैं, किराया आसमान पर और सुविधा सब कुछ नदारद।
स्विट्जरलैंड का दावा है कि उनकी ट्रेन यूरोप में सबसे ज्यादा समय पर चलती है। वहां अगर कोई ट्रेन तय सीमा से 3 मिनट लेट हो तो उसे विलंब माना जाता है। उसी तरह ब्रिटेन में भी ट्रेनें आमतौर पर सही समय से चलती हैं। आयरलैंड और नीदरलैंड में अगर कोई ट्रेन 10 मिनट देर से चलती है तो इसे विलंब माना जाता है। जर्मनी में आमतौर पर 6 मिनट से ज्यादा कोई ट्रेन लेट नहीं होती। जापान में सामान्य तौर पर ट्रेन तय सीमा से देर नहीं चलती। तो सवाल है कि पिछले कुछ सालों से घिसट घिसट कर अपना सफर करने वाले लोग अगले चुनाव तक इंतजार करें कि उसके बाद सरकार उनका भला करेगी, या फिर पकौड़ा बेचकर 200 रुपए कमाने वाला कोई आदमी प्रधानमंत्री के उस सपने पर सवार हो जाए जिसमें एक हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चलेगा। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा था। स्वतंत्रता सेनानी नाम की एक ट्रेन 30-30 घंटे तक लेट चला करती है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे कहती है ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि मेंटेनेंस का काम धड़ल्ले से चल रहा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। देर करता नहीं देर हो जाती है। कर्नाटक के चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद एक और बड़ी शख्सियत ने एंट्री मार दी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी कर्नाटक के चुनाव में हिंदुत्व की धमक का इशारा करती है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि वो इस्लाम के नाम पर वोट मांग रही है, यानी कि कांग्रेस। तो क्या कर्नाटक में विकास का मुद्दा अब पीछे छूट रहा है? उनके सर्वश्रेष्ठ नेता भी खुलेआम बड़ी सभा में अगर वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं तो उनसे देशभक्ति के पराक्रमों के प्रति सकारात्मक भाव व्यक्त होना असंभव होता है। जब भी मोदी जी घबराते हैं वो किसी ना किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे, किसी व्यक्ति को पर बुराई की बुराई करेंगे। वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, जितना भी उल्टा सीधा बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मेरे मुंह से उनके ऊपर पर्सनल अटैक कभी नहीं होगा। मैं आया हूं उत्तर प्रदेश से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से। भगवान राम जब जंगलों में भटक रहे थे तो उनका सबसे विश्वसनीय सहायक कोई मिला था तो कर्नाटक में बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। कर्नाटक के चुनाव में मोदी और राहुल की जंग में प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी विकास की देशव्यापी छवि को कर्नाटक में जमाना चाहते हैं तो योगी हिंदुत्व को, इसीलिए उन्होंने चुनाव को हिंदू मुसलमान की दिशा में आगे बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जिहादियों का सफाया हो सकता है, आपने कर्नाटक के अंदर जिहादियों को प्रश्रय देने क्यों प्रारंभ किया? तो सवाल है कि क्या विकास का मुद्दा पीछे छूट गया और धर्म का उन्माद सिर चढ़कर बोल रहा है? इस बीच जब बीजेपी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर यह संगीन आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पहुंच गई कि इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा, तो आजाद का जवाब बीजेपी में खलबली लेकर आया। एक भाषण में भी हमने अगर ये कहा होगा कि कांग्रेस को वोट देने से इस्लाम मजबूत हो जाएगा, मैं राज्यसभा से भी इस्तीफा दूंगा, लीडर अपोजिशन से भी इस्तीफा दूंगा। कर्नाटक में बीजेपी की एक कोशिश हो सकती है कि चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। दूसरा मुद्दा लिंगायत समुदाय का है, जिसके लिए अलग धर्म के दर्जे की अनुशंसा करके कांग्रेस उसको अपने खेमे में करना चाहती है। तीसरा मुद्दा दलितों के रुख का है, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस उनको अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। और चौथा मुद्दा विकास का है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को मानती है। लेकिन मोदी के बाद कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ वहां धर्म का राग अलाप रहे हैं और इधर इनके राज्य में विकास की कमी सड़कों पर मुंह चिढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर घमासान छिड़ा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले की तस्वीर भारत के किसी विश्वविद्यालय की दीवार पर होनी चाहिए? जवाब में जनभावनाएं कहती हैं कि बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि कौन जिन्ना की तस्वीर के लिए बेताब है और कौन है वो जो इसके बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? ये दोनों तस्वीरें हिंदुस्तान का दर्द बढ़ाती है। एक तस्वीर उस शख्स की है जिसने आजादी के वक्त ही हिंदुस्तान में खूनी दीवार खड़ी कर दी।
दूसरे में उन लोगों का चेहरा है जिन्हें 1947 में देश के बंटवारे के वक्त अपना घर, अपना इलाका, अपने लोग सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए यह सवाल उठता है कि जिसने देश के दो दो टुकड़े करवा दिया, उस मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का हिंदुस्तान में क्या काम? देखिए, जिन्ना का सम्मान भारत के अंदर नहीं हो सकता है। इस देश के विभाजन का कारण जिन्ना है और मुझे लगता है जिन्ना के मेहमानमंडन को देश स्वीकार नहीं करता। इतिहास के पन्नों को पलटिए तो जिन्ना के राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने आजादी को बंटवारे का गुलाम बना दिया। दरअसल मुस्लिम लीग के नेताओं आगा खान, रहमत अली और अल्लामा इकबाल के बार बार कहने पर जिन्ना 1934 में ब्रिटेन से भारत आए और मुस्लिम लीग की कमान संभाल ली। 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और कई सीटों पर जीत भी हासिल की। हालांकि मुस्लिम आबादी वाले पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतों में उसकी करारी हार हुई। इन सबके बीच कांग्रेस से मिलकर अंग्रेजों से मुकाबले का रास्ता खुला रहा, लेकिन जिन्ना ने शर्त रख दी कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए और मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानना होगा। कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया। इसके बाद जिन्ना अंग्रेजों से मिल गए, यहां तक कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया और आखिरकार 1947 में देश का बंटवारा भी हो गया। तो सवाल उठता है कि जिसने देश के बंटवारे की लकीर खींची उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे कहा जा सकता है? लेकिन इस पर बीजेपी ही बटी हुई है। तो जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान देश को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में 1938 से ही जिन्ना की तस्वीर लगी। पर जिन्ना से नफरत करता है, वो लाखों बेकसूर लोगों की जानों का हथियारा है और देश का मुसलमान उससे नफरत करता है। फिर एएमयू छात्र संघ उसके लिए क्यों खून बहा रहा है? हमने मांग रखी है कि 51,000 रुपए हम देंगे, जो वहां से उसका तस्वीर हमें लाके देगा। यूनियन के अहदेदार पर, प्रेसिडेंट पर, सेक्रेटरी पर मेरे ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, यहाँ पर जानबूझ करके सर पर हमले किए गए, सरों पर अटैक किया गया, पूरी तरह से लहूलुहान हम लोगों का दिया गया। ये सही है कि जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए, लेकिन ये भी सवाल है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का मंदिर क्यों बनना चाहिए? साफ है कि कोई भी राष्ट्रवाद अपने राष्ट्रपिता की मर्यादा को धूमिल करके नहीं पढ़ सकता। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि अन्नदाता सुखी भव, लेकिन जब एक पूरे राज्य में सूखे की स्थिति अभी से बन जाए तो किसान कैसे सुखी होंगे? महाराष्ट्र के विदर्भ में अभी भी स्थिति खराब है। स्थिति यह है कि पीने के लिए पानी तक नहीं और सूखा पड़ेगा तो किसान उगाएगा क्या, खाएगा क्या? विकास के दावों पर पानी फेर रही हैं ये तस्वीरें। यवतमाल जिले के इस गांव के इस कुएं में टैंकर से पानी डाला गया, लेकिन ये पानी कैसा है आप खुद देख लीजिए, यानी पिया तो बीमारी को न्योता। अभी गर्मी ने पूरी तरह दस्तक दी भी नहीं कि महाराष्ट्र के विदर्भ में त्राहिमाम मच गया। सूखे की आहट आई और पानी के लिए हाहाकार। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल कम बारिश होने के कारण राज्य के 14,679 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इसमें से करीब 6,500 गांव विदर्भ के अमरावती डिवीजन में आते हैं। सरकार को लगता है कि उसने सूखे का ऐलान कर दिया तो उसका काम खत्म हो गया, जबकि यवतमाल जिले के जिस नेर तहसील की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां अभी ही करीब 500 कुएं सूख गए हैं। इस गांव में रोजाना एक टैंकर पानी आता है, तो सवाल है कि 700 लोगों की प्यास कैसे बुझेगी? और इस चिंता से आगे ये चिंता भी है कि जब अनाज पैदा ही नहीं होगा तो भूख कैसे मिटेगी? पंकज खेलकर, यवतमाल आज तक। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस पुरस्कार को ग्रहण किया। इस अवसर पर बोनी कपूर से हमारी सहयोगी राधिका अवस्थी ने बात की। आज हमारे संग बोनी कपूर है, बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। श्रीदेवी जी को जो है पॉस्थमसली बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है मॉम के लिए, वो हमारे संग अभी दिल्ली में है। सर बहुत ही आपके लिए प्राउड येट सैड मोमेंट है, आप बताइए आपका क्या रिएक्शन था वहाँ पे और आपको किस तरह से आपने अपना को स्ट्रांग बनाया?
खैर स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, बट मेरी फैमिली जो मेरा साथ दे रही है इस वक्त, मेरे चारों बच्चे, मेरे भाई बहन, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, मेरी मदर, श्री की सिस्टर, श्री की जितने रिलेटिव्स हैं, दे ऑल आर विद अस एट दिस मोमेंट एंड आई एम श्योर समवेयर कहीं ना कहीं ये मुझे यकीन है वो भी देख के खुश हो रही होगी कि सब इस मोमेंट को इन्जॉय कर रहे हैं, और ज़्यादा खुशी होती है अगर वो खुद यहाँ पे होती और एक्सेप्ट करते और हम नीचे मंच पे वो जाती और हम नीचे से ताली मारते। पर सर ये होता है ना फैमिली का, ऐसे टाइम्स में फैमिली का जो सपोर्ट होता है, स्ट्रेंथ होती है, वो आई थिंक आपके सारे फैंस को, श्रीदेवी जी के फैंस को दिखा है और उन्होंने बहुत ही इस बात की सराहना की है। मैं आभारी हूँ उन सब दर्शकों का, फैंस का, जिन्होंने इतनी इज्जत दी और इतना साथ दिया है, और मैं चाहूँगा यही इज्जत और यही साथ और यही उत्साह मेरे परिवार को दे, मेरे बच्चों को दे। दस्तक में फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।